जी आपने अच्छे से बताया, लेकिन एक बात मैं आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। आज अब इलेक्शन 2005 बीजेपी को हो गए हैं, अपनी जो सत्ता थी उन्होंने पूरी निभाई है, और आज सारी जो देश है पूरा का पूरा वो कहाँ तक डिजिटल इंडिया बन गया, उसके बारे में कहाँ क्या बोलेंगे आप कि मतलब ये जो सपने हमारे साथ जो नेता लोग करते हैं वो कहाँ तक पूरे हो गए हैं जनता के, उसके बारे में बताएं। हम जिस देश में रहते हैं ये एक ऐसा देश है जहाँ पढ़े लिखे लोगों की बड़ी भारी संख्या हो गई है। मैं बड़ी कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये जितने पढ़े लिखे घूम रहे हैं ना, इन पढ़े लिखों में से 80% ऐसे लोग हैं जो बैंक में जाकर बैंक की स्लिप नहीं भर सकते। जिस इंसान को बैंक की स्लिप भरनी नहीं आती वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट करेगा? करो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, लेकिन क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूल प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैंने एक बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया और मेरे तो खाते से जो है 50,000 रुपए गायब हो गए। कैसे? मैं बैंक वालों से पूछ रहा हूँ, बैंक वाले कह रहे हैं ये तो तुमने करें। मैंने कहा भाई मैंने तो किए नहीं, तो 50,000 रुपए कहाँ गए? और उसका कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं इनके पास। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि भारत सरकार की 500 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, जिसकी वजह से डेटा लीक हो गया, आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया। तो कहां का डिजिटल इंडिया हो गया? डिजिटल इंडिया नहीं है, ये जो है मरा हुआ सांप है जो हमारे गले में डाल देते हैं, और जब वाट आती वोटों की बात आती है फिर जाकर यूं डर आता हो सांप हमें, फिर हम कहते नहीं 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 बीजेपी 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 बहुत बढ़िया कर दिया बीजेपी। कहां बढ़िया कर दिया? डिजिटल इंडिया के नाम पर कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, डिजिटल इंडिया के नाम पर रिलायंस जियो जरूर दिखाई दिया। 4G, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4G बनाना था, वो बेचारा जो BSNL है वो अभी भी 3G में सिमटा हुआ है। 3G उसके 3G पूरे थे, 4G लगाई थी, पार्ले जी चला रहे 4G नहीं लगा रहे। 4G बना दिया उन्होंने रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो को इतना प्रमोट करा, इतना प्रमोट किया इन लोगों ने कि BSNL कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर डिजिटाइजेशन इतना करना ही था तो यार BSNL का कर देते, सरकारी कंपनी है, कम से कम जो है उस कंपनी के माध्यम से अच्छे रेट लोगों को मिल जाते, बेहतर तरीके से। लेकिन इन्होंने जो है अंबानी को ही सपोर्ट किया, एक तरफ ये सपोर्ट किया, दूसरा डिजिटल इंडिया का रिजल्ट आया कि 1,000 करोड़ रुपए दे दिए अनिल मुकेश अंबानी को ये कह करके कि इसका इंस्टीट्यूट है भाई साहब, उस इंस्टीट्यूट का नाम जियो इंस्टीट्यूट और भारत के टॉप 10 प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक है। और मजे की बात ये कागजों में है, वो फिजिकली तो कहीं भी नहीं है। तो आप देखो डिजिटल इंडिया का असर क्या, डिजिटल इंडिया ने काम किया जब नीरव मोदी ने बैठे बैठे पैसे ट्रांसफर कर लिए भाई साहब, ये था डिजिटल इंडिया का रिजल्ट। डिजिटल इंडिया का रिजल्ट इतना जबरदस्त था कि नोट बंद कर दिए रातों रात, और इन मूर्खों ने, अच्छा बात थोड़ी टेक्निकल है समझना, जो ATM होता है ना उस ATM में कसट लगती है, मतलब उस कसट में नोट भरे होते हैं, वो ऐसे वीडियो की कैसेट नहीं आती थी पहले, यूं लगा देते थे, तो वही कसट है, वो कसट ऐसे उसमें लग जाती है। अब जब नए नोट आए, अब नया वाला जो नोट था उसका साइज पुराने वाले नोट के साइज के मुकाबले छोटा था, इसका मतलब ये हो गया भारत के 2 लाख से ज्यादा जो ATM है उनका कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए था, उनकी कसट का साइज बदला जाना चाहिए था, लेकिन इस आदमी ने वो करा ही नहीं। और रिजल्ट क्या हुआ कि लाइनें लग गई भाई साहब, लंबी लंबी लाइनें लग गई, है ना। डिजिटल इंडिया कहाँ से डिजिटल इंडिया हो गया, तो वो आजकल वो आ गया क्या बोलते हो पेटीएम से, वो आज तो टमाटर भी पेटीएम से बिक रहे। पेटीएम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पेटीएम लगाओ, वो बहुत बढ़िया बात कर दिया आपने पेटीएम लगाओ, लेकिन पेटीएम जो है वो चाइनीज कंपनी है, 50% हिस्सेदारी चाइनीज कंपनी की है उसमें। तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दिया ये पेटीएम वाला सिस्टम? तुमने पंजाब नेशनल बैंक को क्यों नहीं दिया? भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को क्यों नहीं दिया तुमने? तुमने नई कंपनी क्यों खड़ी करवाई यहाँ पर? तो इसका मतलब ये है तुम्हें कुछ मिला होगा ना वहां से, तुम्हें लालच होगा, तो वहां से ये डिजिटल कर रहे हैं ये, है ना। और ये यकीन जानिएगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें भी डिजिटल कर देंगे। सतीश जी बहुत भी आपने मजे मजे में बहुत सारी बातों का हमारे जवाब दिया, और सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए SM न्यूज़ में, उसका हम लोग बहुत बहुत साधुवाद करते हैं आपका। हम SM न्यूज़ के दर्शकों से बात बोलना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूत किया जाए तो सबसे पहले आपने SM न्यूज़ को ही नहीं सभी बहुजन समाज के चैनलों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
उसका कारण है कि बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वो दिन रात आपके लिए काम करते हैं और आपके न्यूज चैनल्स के लिए काम करते हैं ताकि अच्छे से अच्छी खबरें आप तक पहुंचाई जा सकें।